गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो उन्हें में सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य, सरल वाक्य का मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन है ना होते रहते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन। इसमें मैं उसके उदाहरण देकर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे एक नंबर उदाहरण मैंने दिया, मिश्र वाक्य है कि मोहन ऐसे नाच रहा है मानो मजा हुआ कलाकार को। नहीं, अब मोहन ऐसे नाच रहा है मानो मजा हुआ कलाकार हो, तो इसको जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे मोहन मजा हुआ कलाकार की तरफ नाच रहा है। अब मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन हो गया। फिर दूसरा उदाहरण है मिश्र वाक्य का कि जिसके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं। तो जिसके पास टिकट नहीं है वे बस से उतर जाएं, यह मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें दो वाक्य एक साथ आए हुए हैं। तो हम इसको जब सरल वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे वे टिकट यात्री बस से उतर जाएं। तीसरा उदाहरण है मिश्र वाक्य में कि अमीषा पटेल वही अभिनेत्री है जिसे पुरस्कार मिला था। तो अमीषा पटेल वही अभिनेत्री है जिसे पुरस्कार मिला था, तो इसमें अमीषा पटेल वही अभिनेत्री है, यह एक सरल वाक्य है। इसके साथ अंग वाक्य मिला हुआ है कि जिसे पुरस्कार मिला था, दोनों मिलाकर मिश्र वाक्य बन गया है। इसको जब हम सरल वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो होगा अमीषा पटेल पुरस्कृत अभिनेत्री है। अब अगला उदाहरण है मिश्र वाक्य में कि नानी जी कहती हैं कि मैं अध्यापिका बनूं। यहाँ जो है नानी जी कहती हैं कि मैं अध्यापिका बनूं, यहाँ नानी जी सरल वाक्य है, इसके अधीन एक दूसरा अंग वाक्य है मैं अध्यापिका बनूं। अब जो है इसको जब हम सरल वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे कि नानी जी मुझे अध्यापिका बनने के लिए कहती हैं। तो इस प्रकार मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन हो गया। मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन के बाद अब मैं आप लोगों को मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन बता रहा हूँ। मिश्र वाक्य का उदाहरण है जब गोमती घर पहुंची बेटी रो रही थी। अब इसको जब हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे गोमती घर पहुंची तो बेटी रो रही थी। फिर अगला उदाहरण है कि मिश्र वाक्य का कि यदि घूमने चलना है तो तैयार हो जाओ। जब इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तब लिखेंगे घूमने चलना है इसलिए तैयार हो जाओ। तीसरा उदाहरण है मिश्र वाक्य का कि वर्षा हुई कि पक्षी चहचहाने लगे। जब इस वाक्य को मिश्र वाक्य को जब हम परिवर्तन करेंगे संयुक्त वाक्य में तब लिखेंगे वर्षा हुई और पक्षी चहचहाने लगे। फिर अगला उदाहरण है उसमें मिश्र वाक्य का कि यदि प्रीति आई थी तथापि रुपये नहीं दे गई। इस मिश्र वाक्य को जब हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तब लिखेंगे प्रीति आई थी परंतु रुपये नहीं दे गई। अब जो है यह वाक्य समाप्त हुआ।